दोस्तों, आज की तारीख में अगर इंडियन मार्केट में कोई भी बाइक मैन्युफैक्चरर एक 125 सीसी बाइक को मैन्युफैक्चर करता है या फिर मार्केट में लॉन्च करता है, तो उसे होंडा एसपी 125 को ध्यान में रखकर ही एक बाइक को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि आज की तारीख में अभी तक जितने BS6 बाइक्स लॉन्च हुए हैं 125 सीसी सेगमेंट में, SP125 कॉन्ट्रोवर्शियली बेस्ट बाइक है उनमें से। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इसका जो मैट एक्सिस ग्रे कलर है इसके बारे में बताऊंगा और ये कलर को भी दिखाऊंगा। क्योंकि दोस्तों, आप देख पाएंगे कि इस बाइक में, खास करके इस कलर में, एक मैट कलर के यूज़ किया गया है और बाकी तीन जो कलर है वो ग्लॉजी है। तो बहुत लोग मैट कलर के शौकीन होते हैं और इसमें बहुत ही कम या फिर ना के बराबर ही स्टिकर्स लगे हुए हैं, जबकि अभी अगर आप ग्लॉसी वर्शन को लेते हैं, ग्लॉसी मॉडल्स को लेते हैं, तो उसमें आपको स्टिकर वगैरह देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें आपको अभी एक प्योर मैट ग्रे कलर के साथ मिनिमलिस्टिक स्टिकर और एक बहुत ही बढ़िया सा स्टाइलिंग देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं कि इस बाइक में क्या कुछ है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बंगाल राइडर एंड मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत। और अगर आप पहली बार ये चैनल में हैं और वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के हमारे बंगाल राइडर फैमिली के एक अटूट हिस्सा बन जाइए। दोस्तों, यहाँ पे चेंजेस की अगर बात करें तो पूरे बाइक में अभी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। बहुत ही मिनिमलिस्टिक यहाँ पे स्टिकर्स दिए गए हैं, ना के बराबर ही मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं इंजन की, तो इंजन अभी जैसे कि आप जानते हैं, पहले BS4 से अभी BS6 हो चुका है और इसमें बिना झटके वाली साइलेंट स्टार्टर मोटर को ऐड किया गया है। उसी के साथ साथ अभी आपको कार्बोरेटर की जगह फ्यूल इंजेक्शन का टेक्नोलॉजी मिलेगा और ये BS6 कंप्लायंट है। यहाँ पे आपको प्रोग्राम्ड FI मिल जाता है और एनहेंस स्मार्ट पावर का एक टेक्नोलॉजी मिल जाता है, जो कि पावर सेविंग में मदद करता है। दोस्तों, इंजन में अभी आपको 0.4 BHP ज़्यादा पावर मिलेगा और टॉर्क जो है ये 0.6 Nm ज़्यादा मिलेगा, यानी कि कुल मिला के अभी आपको 10.6 BHP एट 7500 RPM में मिलेगा और टॉर्क जो है ये 10.9 Nm मिलेगा एट 6000 RPM। बाकी अगर बात करें तो अभी होंडा का क्लेम है कि 16% ज़्यादा आपको माइलेज मिलेगा। और दोस्तों, आप ये देख पाएंगे कि एग्जॉस्ट पाइप पर ये एक्स्ट्रा कैटलिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है, जो ये फुला सा, आप एक बड़ा सा कैन जैसा देख रहे हैं, इस जगह से आप पता कर पाएंगे। तो ये BS6 बाइक हुआ और पहले से स्मूथनेस भी बढ़ चुका है और होंडा के जो इंजन से वो अपने स्मूथनेस के लिए जाना जाता है। और नया जो ये BS6 SP125 आप देख रहे हैं, इसमें स्मूथनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया है। और जब कभी भी आप लो स्पीड्स में रहेंगे, तब आपको शायद पता ही नहीं चलेगा कि इंजन चल भी रहा है या नहीं, क्योंकि इतना ही स्मूथ और इतना ही साइलेंट इस इंजन को बना दिया गया है। पहले जैसा ही इसमें अभी भी आपको 5 गियर सेटअप मिलेगा, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें पिस्टन कूलिंग जेट और ऑफसेट सिलेंडर जैसी टेक्नोलॉजी ऐड किया गया है। दोस्तों, आप देख पाएंगे टैंक को, यहाँ पे 11 लीटर्स का पेट्रोल टैंक लगा हुआ है। टैंक कैपेसिटी की अगर बात करें, और यहाँ पे थोड़ी से लीवो जैसा यहाँ पे स्टाइलिंग मुझे लगा है, लीवो जैसी इसके टैंक पैनल्स, बैक पैनल्स और साइड पैनल्स काफ़ी हद तक मुझे लगा है। और साइड के अगर आप टैंक श्राउड्स को देखें, तो उसमें होंडा की 3D बैजिंग लग कर आता है। काफ़ी मस्कुलर एक बड़ा सा चंकी टैंक यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों, अगर बात करें सीटिंग पॉस्चर की, तो सीटिंग पॉस्चर बिल्कुल ही कम्यूटरी सीटिंग है। और यहाँ पे अगर प्राइसिंग की बात करें दोस्तों, तो प्राइसिंग लगभग यहाँ पे 7 से 8 हज़ार रुपये पहले से बढ़ चुका है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक ठीक ठाक है। और बात करें दोस्तों यहाँ पे हेडलैम्प की, तो हेडलैम्प पे अभी आपको फुल्ली LED हेडलैम्प मिलेगा, काफ़ी हद तक हॉर्नेट जैसा, जिसमें फुल्ली DC कनेक्शन के साथ साथ आपको यहाँ पे स्प्लिट टाइप हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है। और इसके जो बात करें इल्यूमिनेशन की, इल्यूमिनेशन भी बहुत ही अच्छा है, पहले के जो हैलोजन बल्ब आते थे उसके मुकाबले। एक लाइट का एक हमेशा प्रॉब्लम रहता था शाइन में, क्योंकि वो फ्लिकर बहुत ज़्यादा करता था, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। इंडिकेटर्स के स्टाइलिंग भी थोड़े से बदल दिए गए हैं, अलग इंडिकेटर्स अभी इसमें लग कर आते हैं। और ऊपर आपको एक ब्लैक कलर का काफ़ी बढ़िया सा विंडशील्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पे आते हैं हैंडल बार्स पर, तो हैंडल बार और स्विच गियर क्वालिटी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड किया गया है। और स्विच गियर क्वालिटी की अगर देखें, तो हेडलैम्प स्विच और पास स्विच को इंटीग्रेट किया गया है, हॉर्न स्विच इंडिकेटर इसको बदल दिया गया है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों, इंजन किल स्विच को ऐड किया गया है, जिसके साथ सेल्फ स्टार्ट जो बटन है वो इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे ग्लॉजी हैंडल बार की जगह अभी आपको फुल्ली ब्लैक हैंडल बार मिलेगा। मीटर में एक बहुत बढ़िया अपग्रेड इन्होंने किया है, फुल्ली डिजिटलाइज्ड यहाँ पे मीटर कंसोल है। और इसी के अंदर इंजन मैलफंक्शन लाइट और इको इंडिकेटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ गियर पोजिशन इंडिकेटर, टैंक रेंज और इंस्टेंट माइलेज और एवरेज माइलेज भी आपको यहाँ पे
मीटर में शो करेगा। इसी के साथ साथ फ्यूल इन्फॉर्मेशन, दो ट्रिप मीटर्स, टोटल किलोमीटर्स और स्पीडोमीटर भी इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा विथ सर्विस रिमाइंडर, और बैटरी रिमाइंडर भी इसी के अंदर मिलेगा। तो इतने सारे इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एक बहुत ही लोडेड सा मीटर कंसोल आपको मिल जाएगा, जहाँ पे हर तरह का इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। एवरेज जो है यानी कि आपका माइलेज जो है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है। और पेट्रोल टैंक की रेंज कितना है यानी कि रिमेनिंग फ्यूल में कितना दूर गाड़ी चलेगा, ये भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। पीछे की तरफ देखें तो टेल लैम्प सेटअप को अभी बदल दिया गया है, अभी भी ये बल्ब टाइप है, LED अभी तक नहीं है। तो काफ़ी हद तक ये एक फ्रेश सा लुक दे रहा है। और आप देख पाएंगे दोस्तों कि बहुत ही मिनिमलिस्टिक यहाँ पे स्टिकर्स का यूज़ हुआ है, और जो लुक है लुक को काफ़ी हद तक बदल दिया गया है। और ये मैट ग्रे जो कलर है, ये ग्रे कलर यहाँ पे बहुत ही उम्दा किस्म का मुझे लगा है। अब अच्छी बात है कि अभी भी आपको सेल्फ और किक स्टार्ट दोनों ही मैकेनिज्म आपको इसमें मिल जाएगा। और HET यानी कि होंडा इको टेक्नोलॉजी जो ये मिल रहा है वो भी बहुत ही एक अच्छी टेक्नोलॉजी है। साइड में आपको SP125 का बैजिंग भी देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे सीटिंग की बात करें तो सीट जो पहले था वही है, बहुत ही कंफर्टेबल यहाँ पे राइडर और पिलियन सीट दिया गया है। और पीछे आपको रबर कोटेड सिंगल पीस ग्रैब हैंडल भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसी के साथ साथ अभी इसमें 6 पाउंड का नया बैटरी लगाया गया है, पहले वाले बैटरी को बदल के। और अभी इसमें 3+3 यानी कि 3 साल का स्टैंडर्ड वारंटी और 3 साल का ऑप्शनल वारंटी मिल जाएगा। सामने की तरफ आपको मिल जाएगा टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और पीछे की तरफ 5-स्टेप एडजस्टेबल ट्विन हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। और साइड में आप देख सकेंगे दोस्तों साड़ी गार्ड जो है ये भी बहुत ही एक स्टाइलिश किस्म का लगाया गया है। और बात करें यहाँ पे दोस्तों टायर्स की, तो दोनों ही तरफ आपको यहाँ पे 18 इंच के ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिलेंगे, और दोनों ही तरफ आपको 80x100 साइज का टायर मिलेगा। फ्रंट की तरफ आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा इस मॉडल में, लेकिन ये ड्रम ब्रेक के साथ भी अवेलेबल है। अगर आप डिस्क मॉडल को लेते हैं तो 240mm की डिस्क सामने की तरफ मिलेगा, और इसमें CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम विथ इक्वलाइजर टेक्नोलॉजी दिया गया है। और इक्वलाइजर सिर्फ आपको होंडा के बाइक्स और स्कूटर्स में ही मिलता है। तो दोस्तों आप देख पाएंगे कि व्हील्स कैसा है इसका, और पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक ही मिलेगा। आप चाहे तो ये कम्प्लीटली ड्रम ब्रेक मॉडल में भी ले सकते हैं और सिंगल डिस्क के साथ भी ले सकते हैं। दोस्तों इस बाइक में मुझे एक ही ये कमी लगा है कि इसके जो टायर्स है, जो कि पहले भी कंप्लेन था कि ये अंडर साइज्ड है, तो थोड़े से अगर इसको 100x90 साइज का कर दिया होता पीछे की टायर को तो मेरे ख्याल से और भी अच्छा होता। हालांकि होंडा ने कॉस्ट कटिंग के लिए और माइलेज को और भी ज़्यादा करने के लिए शायद ये नहीं किया है। और दोस्तों बात करें यहाँ पे माइलेज की, तो माइलेज भी पहले से आपको बढ़िया मिलेगा। फिलहाल आपको अराउंड 65 का यहाँ पे माइलेज मिल जाएगा अगर आप एक डिसेंट तरीके से चलाते हैं तो पहले से लगभग ये काफ़ी ज़्यादा यानी कि 7 से 8 किलोमीटर ज़्यादा अभी आपको इसमें माइलेज मिलने की चांसेस है। अब वेट की बात करें तो 118 kg का वेट है, सीट हाइट 790mm है जो कि इंडियन हाइट के राइडर्स के लिए काफ़ी ठीक ठाक है, और ग्राउंड क्लियरेंस 160mm है, और टॉप स्पीड के मामले में भी ये ऑलमोस्ट 100 तक जा सकते हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है। और होंडा की अगर स्पेयर पार्ट्स और आफ्टर सेल्स की बात करें तो वो भी इंडिया में काफ़ी हद तक सस्ते में मिल जाएगा, और हर जगह पे भी ये अवेलेबल है। और दोस्तों ये बाइक मुझे काफ़ी दमदार फायदेमंद लगा है हर रोज़ राइडिंग के लिए। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड ऑलवेज राइड सेफ़।